फिल्मी परिवार से होने के बाद भी नाम नहीं कमा पाए ये सितारे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए की खबर जानते हैं विस्तार से। अभिषेक बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। फिल्म रिफ्यूजी से अभिषेक ने फिल्मी सफर शुरू किया, मगर उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औधे मुंह गिरी थी। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने लगातार कई फ्लॉप दी। हालांकि आज उन्होंने इंडस्ट्री में ठीक ठाक पैर जमा लिए हैं, लेकिन उनका करियर काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है। एक बातचीत के दौरान अभिषेक बच्चन ने कहा था, लोगों को लगता है कि मेरे लिए फिल्मों की लाइन लगी रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पहली फिल्म काफी मुश्किलें के बाद मिली थी, इसके लिए मुझे 2 साल इंतजार करना पड़ा था। तुषार कपूर। सुपरस्टार जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर से लोगों को काफी उम्मीदें थी। उनकी पहली फिल्म मुझे कुछ कहना है सफल रही, लेकिन इसके बाद वो पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने एक्शन और कॉमेडी दोनों में खुद को आजमाया। फिल्म गोलमाल में उनके गुंगा वाला किरदार काफी पसंद किया गया। तुषार कपूर अब भी फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन उनके रोल अब सहायक अभिनेता तक ही सीमित रहते हैं। बॉबी देओल। धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल का भी कुछ यही हाल रहा। धर्मेंद्र खुद सुपरस्टार रहे तो उनके बड़े बेटे सनी देओल भी इंडस्ट्री में खूब हिट हुए, मगर बॉबी देओल के करियर की नया पार लगाने में इन दोनों का कहीं काम न आया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब बॉबी देओल इंडस्ट्री से दूरी बनाकर एक नाइट क्लब में डीजे बन गए। हालांकि फिर सलमान खान के ने उनकी वापसी कराई। OTT के बाद बॉबी देओल के करियर को कुछ गति मिली है। ईशा देओल। ईशा के पिता धर्मेंद्र सुपरस्टार तो माँ ड्रीम गर्ल, फिर भी ईशा बॉलीवुड में खास जगह नहीं बना पाई। ईशा ने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे ये बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन अपने बॉलीवुड करियर में ईशा ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी थी। रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के नामी सितारे रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने भी इंडस्ट्री में ठीक ठाक काम नाम कमाया, तो वही ट्विंकल खन्ना के पति और एक्टर अक्षय कुमार का अपना रुतबा है। इतने नामी सितारों के परिवार से होने के बाद भी राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना के करियर को ठहराव नहीं मिल पाया। प्यार में कभी कभी जिस देश में गंगा रहता है, मुझे कुछ कहना है, चमेली समेत कुछ फिल्मों में काम करने के बाद भी जब रिंकी खन्ना को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने इंडस्ट्री से दूर रहने में ही भलाई समझी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना। शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माता बहने और बेटियां का अभिनंदन करना एक सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। माताएं और बहने सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा, और परिवार से प्रदेश और प्रदेश से देश सशक्त होगा। हमारा उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसमें वह आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। इसी उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना 2 और लाडली बहना योजना शुरू की है। लाडली बहना योजना में पात्र लाडली बहन को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। वृद्धावस्था में पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को सीधी जिले में चुरहट के लहिया गांव में विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र, जनहित योजनाओं का हितलाभ वितरण, विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का विकास और देश की इज्जत बढ़ाई है। हमारी माता बहनें मातृशक्ति है, हमें इनका आदर करना चाहिए और उनको उनके अधिकार देकर सशक्त बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहनों से आह्वान किया कि वे लाडली बहना सेना का गठन करें और बहनों को अपने अधिकार लाडली लक्ष्मी योजना 2 और लाडली बहना योजना के लिए सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता के लिए पंजीकृत करवाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर सबका बराबर का हक है, गरीबों को उनके हक से कोई वंचित नहीं कर सकता। यह शिव संकल्प है जिसको मैं पूरा करूंगा। प्रदेश में सभी का हक है कि उनके पास रहने के लिए जमीन हो, जिसमें वह अपनी जरूरत अनुसार रहने के लिए मकान बनवा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान दिए जा रहे हैं, साथ ही भूमिहीन गरीबों को आवास के लिए पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना में सभी पात्र परिवार को निःशुल्क अनाज बांटा जा रहा है। नागरिकों को निःशुल्क इलाज का अधिकार देने आयुष्मान भारत योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। 5 मार्च को होगा मातृशक्ति सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी 5 मार्च को मातृशक्ति सम्मेलन होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता, लाडली बहना सेना के लोग जगह जगह शिविर लगाकर लाडली लक्ष्मी 2 और लाडली बहना योजना में लाभार्थियों का पंजीकरण करवाने में मदद करेंगे। अप्रैल माह में आवेदन पत्रों की जाँच होगी और जून माह में 10 तारीख से सभी लाभार्थियों के खातों में योजना की राशि अंतरित होना शुरू हो जाएगी। सभी को पीने के पानी का अधिकार भी है। जल जीवन मिशन से इस कार्य को तेजी से किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद बोली कंगना, मैं समझ गई थी ये जल्द ही गिरेगा। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे को लेकर हाल ही में जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया, उसकी चर्चा हर तरफ देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिवसेना का नाम और पार्टी का निशांति कमान एकनाथ शिंदे और गुट को सौंप दिया है। इस बात पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। कंगना रनौत ने ट्विटर पर लॉकडाउन में अपने साथ हुए अन्याय का जिक्र करते हुए कहा, कुकर्म करने से तो देवताओं के राजा इंद्र भी स्वर्ग से गिर जाया करते थे। वो तो सिर्फ एक नेता है। जब उसने अन्याय पूर्व मेरा घर तोड़ा था, मैं समझ गई थी ये शीघ्र ही गिरेगा। देवता अच्छे कर्मों से उठ सकते हैं, लेकिन स्त्री का अपमान करने वाले नीच मनुष्य नहीं है, ये अब कभी उठ नहीं पाएगा। बता दें कि फैंस कंगना की तारीफ कर रहे हैं और उनकी भविष्यवाणी पर बातें कर रहे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।